गया वो तुरंत महिपाला चरण लागे कर विनय विशाला चरण लागे कर विनय विशाला आज गुरुदेव भगवान के पास गए महाराज दशरथ दंडवत प्रणाम किया चरणों में लिट गए। एक चीज और बताऊं प्रणाम करने की आज की पद्धति ही बड़ी विचित्र हो गई बड़ी विचित्र हो गई। महाराज दशरथ ने कैसे प्रणाम किया दंडवत डंडे की तरह लेट करके। प्रणाम भी कई प्रकार के हैं साष्टांग प्रणाम दंडवत प्रणाम यहां तक कि राम राम कह दो श्याम श्याम कह दो पैर छू लो। लेकिन आजकल की तो प्रणाम पद्धति ही दाऊ साहब बिल्कुल गड़बड़ हो गई। कैसी अब तो पांव तक झुकने में भी बड़ी विचित्र स्थिति है और कहा पांव तक नहीं झुकना चाहते अब तो घुटने तक ठीक है घुटने तक और तो और जा समझो राम राम कहने की भी बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। अब तो मोटरसाइकिल से इस तरफ से गए डॉक्टर साहब बात तरफ से आ रहे मास्टर साहब देखना इधर से आए डॉक्टर साहब मम्मा ओ उधर से आए डॉक्टर साहब सो इधर से मास्टर साहब ने कह दिया अडो डॉक्टर साहब हाथ उठा दिया कह दिया डॉक्टर साहब सो इतने डॉक्टर साहब भी कम नहीं है डॉक्टर साहब ने कहे ए मास्टर साहब अब क्या लिया क्या दिया क्या कोई पता नहीं बड़ी विचित्र स्थिति। और तो और क्या आपको क्या बताएं ये माताएं होती ना माताएं अपने बालकों को राम राम कहना नहीं सिखाती श्याम श्याम कहना नहीं सिखाएंगे राधे राधे कहना नहीं सिखाएंगे। बेटा अंकल जी जा रहे अंकल जी से कर लो टाटा क्या कर लो टाटा ये टाटा क्या है ये टाटा हमारी संस्कृति का शब्द नहीं है। फिर क्या है टाटा टाटा कंपनी जिस समय चली उस समय हमारे यहां इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी प्रचार प्रसार करने के लिए तो टाटा कंपनी वालों ने क्या किया चार बिस्किट बनवाए लिखा TATA बच्चों को बांटना प्रारंभ किए बच्चों से अपनी कंपनी का प्रचार करवाया और हमने लिया उसे अपनी पद्धति में डाल दिया। ऐसी स्थिति और यहां तक कि परीक्षित क्या कहां तक बताएं जो आनंद माताजी पिताजी कहने में है वो शायद मैं नहीं समझता वो कोई शब्द में हो। मां कह दो कितना सुंदर शब्द है कितना अच्छा लगता है माताजी कह दो पिताजी कह दो और एक और अब माताजी पिताजी कोई नहीं कहता अब क्या कहने लगे बोले पापा क्या पापा और माताजी से मम्मी 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 किसे कहा जाता है बंगाली भाषा में उसे बोला जाता है चार लोग लेके जाते हैं अपने यहां राम नाम सत्य है उसे कहा जाता है। और अब तो मम्मी पापा भी गायब अब तो मम्मी पापा भी नहीं नहीं कहते शहरों में देखो क्या कहते हैं माताजी हो गई मॉम माताजी क्या हो गई मॉम और पिताजी हो गए डैड पिताजी हो गए डैड। बड़ी विचित्र स्थिति है उसी जगह पहुंचे। आज महाराज दशरथ ने साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद अपना पूरा दुख अपनी पूरी दुख की वेदना महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ के सामने रख दी पूरा सुख दुख सुना डाला। आज जैसे ही वशिष्ठ ने
दशरथ की बात सुनी तो महाराज एक बात और मैं बताऊं, जिस समय दशरथ गए उस समय खाली हाथ नहीं गए। एक बात और ध्यान देना, जहां कहीं जाओ, मंदिर में जाओ, गुरु के यहां जाओ, अनुष्ठान में जाओ, भागवत में जाओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहा तो शास्त्रों में यहां तक ही गया है, कहा है कि जिस योग हो वो ले जाओ। अगर नहीं हो कि हमारे पास रुपया पैसा नहीं है तो महाराज फल ले जाओ, मीठा ले जाओ, अगर वो भी नहीं है तो फूल ले जाओ, अगर फूल भी नहीं है तो तुलसी का दल ले जाओ, लेकिन खाली हाथ मत जाओ। आज महाराज दशरथ खाली हाथ नहीं गए और चार फल लेकर के महाराज दशरथ ने रख दिए और जैसे ही गुरुजी को अर्पण किए तो गुरुजी को अपनी सारी कथा व्यथा कह सुना दी और गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया। क्या? अरे धारा हो धीरा हुई है सुत चारी, धारा हो धीरा हुई है सुत चारी, धारा हो धीरा हुई है सुत चारी, धारा हो धीरा। और प्रभुवन विदेता भगत भय हारी, प्रभुवन विदेता भगत भय हारी। आए राजन धैर्य रखो, एक नहीं तुम्हारे यहां चार चार पुत्रों का प्रादुर्भाव होगा। आज गुरु ने जैसी आशीर्वाद दिया, महाराज दशरथ मन में विचार करते हैं कि गुरु की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। आज आशीर्वाद श्रोधार्य किया और महाराज कुछ समय बाद गुरु वशिष्ठ ने एक यज्ञ का आयोजन करवाया दशरथ के द्वारा। और महाराज एक बात और मैं कहूं, क्योंकि हर विषय का अलग अलग आचार्य होता है। जो गुरु वशिष्ठ थे विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे, लेकिन कर्मकांड के आचार्य थे, बसरते महाराज पुत्रेष्ठ यज्ञ के आचार्य नहीं थे। आज पुत्रेष्ठ यज्ञ के लिए किसको बुलाया? श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। आज महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और उन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ का शुभारंभ करवाया। और जैसे ही शुभारंभ करवाया तो देखिए, जिस समय दशरथ कौशल्या केकई सुमित्रा सभी उपस्थित हुए और यज्ञ प्रारंभ हुआ तो कैसे आहुति दी? प्रेम सहित मुनि आहुति दीन है। ऐसा नहीं किया कि महाराज पंडित जी थे चिल्ला रहे यज्ञशाला में, भैया समय हो गया चलो बैठ जाओ हवन के लिए, और महाराज जल्दी दौड़े दौड़े आए, जल्दी दो लोटा डारा जल, दौड़े दौड़े आए और भरा सामग्री का मूठा और छोड़ दिया स्वाहा। ऐसे नहीं, बड़े प्रेम के साथ महाराज आहुति दी गई, प्रेम सहित मुनि आहुति दीने और प्रगटे अग्नि चलू कर लीने। आज अग्नि भगवान महाराज प्रकट होते हैं चरु पात्र लेकर के। जैसे ही चरु पात्र लेकर के प्रकट होते हैं तो देखिए बड़ी सुंदर बात, महाराज गुरु वशिष्ठ ने दशरथ को वो अग्नि के द्वारा चरु पात्र दिलवा दिया। और दशरथ से महाराज क्या कहा गुरु वशिष्ठ ने? ये नहीं कहा कि तुम किस रानी को कितना देना,
फिर क्या कहा? बोले सुनो, महाराज दशरथ से महाराज गुरु वशिष्ठ कहते हैं, राजन यहा हवि बाट देवन रप जाई जथा जोग जेहि भाग बनाई। हे राजन, इस हबी को लेकर के, इस प्रसाद को लेकर के अपनी रानियों में बांट दो, जो जितने योग्य हो। ये नहीं कहा किसको कितना देना, जो जिसके जितने योग्य हो उतना दे दीजिए। तो महाराज दशरथ ने क्या किया, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना और उभय भाग आधे कर कीना। आधा भाग कौशल्या को दे दिया और आधे में से आधा करके आधा आधा सुमित्रा और केकई को दे दिया। एक बात और मैं कहूं, जिस समय सुमित्रा ने अपना भाग आंगन में रख दिया तो उस समय एक बाज आई और बाज ने महाराज सुमित्रा का चरु प्रसाद उठाया, उड़ चली। जैसे ही सुमित्रा का चरु प्रसाद लेकर के उड़ गई बाज, उसी समय क्या हुआ महाराज, बाज चली जा रही थी, चलते 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 अचानक महाराज अंजनी भगवान शंकर का ध्यान कर रही थी। जैसे ही अंजनी ने ऊपर की ओर देखा, जब अंजनी ने ऊपर की ओर देखा तो बाज के नेत्र अंजनी की निगाहों आंखों से टकराए। जिस समय अंजनी की आंखों से टकराए तो महाराज बाज चकचौंध जाती है। जैसे ही बाज चकचौंधी तो उसी समय उसके मुख से चरु पात्र छूट गया और जब चरु पात्र छूटा तो ऊपर से वो चरु प्रसाद आता दिखाई दिया। अंजनी ने सोचा ये भगवान शंकर का प्रसाद है, तो उसने बड़े साहस के साथ ले लिया और उसको पान कर लिया। तो महाराज उसी प्रसाद से हनुमान जी का जन्म होता है, इसलिए कहा है कि हनुमान जी राम के भैया हैं। और देखिए अंजनी कथा कई प्रकार से इस जगह आती है, क्योंकि अंजनी को अहिल्या का श्राप है कि जा तुझे कुमारी में पातक लगेगा। तो महाराज अंजनी एक कुटिया में छुप करके बैठ गई कि देखे माताजी तुम्हारा श्राप सिद्ध होता है या मेरा प्राण। मैं श्राप नहीं लगने दूंगी, लेकिन श्राप तो श्राप है। भगवान ने दीक्षा के बहाने, महाराज मंत्र के बहाने महाराज चरु प्रसाद उनके कान में फूंका, ऐसी कथा आती है। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आज जब सुमित्रा का भाग चला गया तो देखिए